रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इन्हें खाने में उनको मैं उस खंडा के अधम के नाम से जिसके इस व्यापार का वित्त करके सूरत की युक्त और जिसकी तहिया तो नक्तीज करके तजनिया नक्शा मजबूर होती मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा अधेरी रहुजत में लफ्ज को चमका रहा वही तो बांटता है सूरज को महका रहा हवा को दे रहा है बादल पर बादल को बारिश सितारों को फलक में रास्ता समझा रहा है सलीका दे रहा है पृथ्वी का मेजबान को वही तो शेर बैठे पर मुझे उकसा रहा है तस्वीर का समुद्र खांसी कश्ती असर की कर्म उसका जजीरा फिक्र का शर्मा का सदर जी के कारण प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंसारी साहब मुमताज सियासत मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल डॉक्टर इलियास वजीर सिद्दीक और मोहसिन खवातीन सर पर छाया फगन हाफिज मदार पक्ष के रूहानी जाहो जजा की जलवा फरोजिया दिल में रूह में खुदा की सरपस्तियां ख्यालों ख्वाब की वादियों में इश्क रसूल की दावतियां पुछादा पेशानी पर सजदा ए तशक्कुर की ताबानियां लबे मुस्तकबल तहरीर और तमजीद की नरमा संजियां सुहूए गुफ्तगू में नर्म पूरी की ताबानियां लिबास फकीराना सुखन शायराना अंदाज कलंदराना ये थे पावर उमो अजानों के शहरे सुखन के जमाले सुबन यमी अहमद शमी लौहे जुल्मत की जमीन पर एक तारा रह गया आखरेशन एक तरीके में उजाला रह गया मगर इंसान नहीं थे ये जमीन अहमद जमीन की किताब जमाल सुगन की वज़ में इजरा है ये शादी सरगर्मियां हमारी तहजीबी और सकाफती जिम्मेदारी है एहसास की सरगर्मियां जिंदा कौमों की निशानी है किताबें अहद शनाख्त भी है तारीख साज भी किताबें हमदमो दमसाज भी हैं फिजरत नहज भी लौट पीछे की तरफ है गर्दिश याद दू जब ईसाइयों ने उन दर्ज को फतेह किया तो उसने तमाम कुतुबखानों को तहलदेस कमर करा दू तब तक ये किताबें बाकी हैं तो मुसलमानों में रूहे इस्लामी और ईमानी बाकी हैं ईसाइयों को उन गलत के किताबों को जाया करने के लिए 50 साल लग गए जब तातारियों ने दजला बगदाद को फतेह किया तो दजला के किनारे पर कुतुब खानों की किताबों को दरिया गुर्द कर दिया उन किताबों की रोशनाई से दजला 1 महीने तक सियाह चलता रहा ये थे हमारे असलाक की कुतुब नवाजियां ये थी हमारे असलाक की इशाती सरगर्मियां मुकदमी सामने ये एक शायर की महफिल इजरा है उसके कलाम का मैं जारी है
दरबार रिसालत महात्म भी शोभा ग्राम की एक तरक्षंदा और फाहिंदा कायदार मौजूद थी। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत हसान बिन साबित, हजरत काब बिन मालिक, काब बिन सुहैब, हजरत जरार बिन खताब, हजरत अब्दुल्ला बिन तखा, हजरत कंसा जैसे जलीलुल कदर सुरा दरबार रिसालत महात्म पे मौजूद थी। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि अली कुछ शेर सुनाओ। हजरत अली ने शेर सुनाए, फरमाया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशोरा व तराबीजुर रहमान, शोरा अल्लाह के साबित होते हैं। शायर मस्जिद अल्लामा इकबाल ने इसकी तायद और तहसीन की है कि मुझे पता नहीं ये शायरी है या कुछ और, अदा हुआ है मुझे जिक्र फिक्र जब जरूर। खल्लाम आजम ने अपने शान करीमी के हवालों से अपने नेक बंदे को जनाब जमील अहमद जमील को विद्वान और शऊर फिक्र नजर ख्वाब और ख्याल जब जरूर बसीरत और बसारत एहसास और इदराक की दौलतें अदा की, और जनाब जमील अहमद जमील ने जमाल सुमन तहरीर कर दिया। हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, और जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। मुकर्रम सामईन, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इशारे ग्रामी है कि इंसान हिजाब ज़ुबान में पोशीदा है, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। जनाब जमील अहमद जमील ने कलाम किया और खूब कलाम किया। 8 हमदे पाक, 41 नाते, जनाब उन्होंने अपनी किताब के शेर पहचाने का जो किताब का हीरा था वो गया, वो जो भी लिख के और अहमद इलाही है जो सिर्फ अहमदी को आता है। उन्होंने मजीद कहा कि शेर पर तो ये बुक्स है। मुकर्रम सामईन, जनाब जमील अहमद जमील की शायरी दिल के खजानों की तशरीह भी थी, तबलीग भी, तौसीह भी थी। जनाब हमारे शायर कहते हैं कि अब्र सायहा हमारी बात ने कहा है कि अब्र सायहाओं से ऊपर से मिला करते हैं, जितने दरिया हैं समुंदर से मिला करते हैं, दिल के बाहर है कहाँ वो शय तकलीफ कोई, ये खजाने जो हैं अंदर से मिला करते हैं। तो गर्मी समय उर्दू शायरी ने मामलाइयत से लेकर रिवायात तक और तरक्की पसंद अधिक अदब से जदीद रुझान तक एक तवील सेहतमंद और नहायत खूबसूरत सफर तय किया है। मुझे कहने में कोई बात नहीं कि जमील अहमद जमील का शायराना ताल्लुक बिल्कुल हमारी शेरी रिवायात से है। जनाब जमील अहमद एक मुबल्लिग थे, एक इंसान थे, एक मुफक्किर थे, एक नहायत ही जायम शख्सियत थे, मुनकसिर मिजाज थे। मैं जब भी उनको देखता था जिंदगी में जिंदा हवालों से भी, तो मुझे यह जोश का शेर याद आता था कि बहुत ही खुश हुआ।